सिंगल सर राजपाल दीपक के पहला गड्डी जो हमें भरपूर सहयोग देते रहते हैं। रफी खान को साहब की अगर बच्चे सहमत है तो राउंड को समस्या राउंड हो जाएगा। सोहन सिंह जी जो बच्चे आज खेलो हरियाणा खेलने गए हैं और वो इंडिया कैंप पर भी हैं, तो हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि उन बच्चों का सिलेक्शन सीधा कर दिया जाए बिना ट्रायल के आधार पे, क्योंकि वो आज यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, तो वो इंडिया से लगे वो बच्चे हैं, तो प्लीज। थैंक यू सर। और आज का जो ये प्रोग्राम है चहल डिफेंस एकेडमी CDA हर खिलाड़ी के नाम पर जुबान पर नाम लिया जा रहा है, क्योंकि YouTube जो चैनल है इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम चहल डिफेंस एकेडमी CDA, तो आप YouTube पर जाएं, 2 लाख लाइव लोग वहां पर CDA पर जुड़े हुए मिलेंगे, आपका जो प्रदर्शन है वो आप लाइव CDA पर देख सकेंगे, और साथ में एथलेटिक्स हिसार का जो पेज है वो भी आप फॉलो करके सपोर्ट करने का काम करेंगे। एथलेटिक्स हिसार गूगल पे मैं फिर से वो करना चाहूँ था, एथलेटिक्स हिसार गूगल पे जाएं, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और अपना बायोडाटा भरें और आपका पूरा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन होगा, कब आपने दौड़ लगाई, कितनी पोजीशन आई, कितना डेट ऑफ बर्थ था, आपका पूरा मतलब डाटा उसमें मेंटेन होगा। मैं धन्यवाद ही रहूंगा एथलेटिक्स हिसार के मेरे सभी सीनियर पदाधिकारियों का, इतनी अच्छी शुरुआत। गुड भाई गुड, 16 राउंड बाकी है भाई, 8 राउंड बहुत ही मेहनती हमारी पूरी टीम, पवन विश्वजीत की बात करूं, सुरेंद्र मुंडार की बात करूं, राजेंद्र कोड़ी मुंडार की बात करूं, नसीब खुराना की बात करूं, सुरेश पहल गड्डी की बात करूं, सुधीर गड्डी की बात करूं, मोहन सिंह की बात करूं, मैं जोनी मक्कड़ भाई साहब की बात करूं, संदीप यादव की बात करूं, या हमारे अनिल गुणपाल बालक की बात करूं, ये उसके साथ साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूरी टीम जिसका नाम है बिश्नोई विकास बिश्नोई जो अभी DTO और हमारा NIS का जो डिप्लोमा करके आए हैं, तो उनकी बात करूं पूरी वेल क्वालिफाइड टीम हमारे बंदे हैं, और बिल्कुल सुरेंद्र मुंडार जी और विकास आठ जी आप जो रिकॉर्ड है
वो अच्छी तरह से मेंटेन करें। जानकारी के लिए बता दूं, जो डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट और स्टेट पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट होगा, प्लस टू में जो बच्चे हैं आगे अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें आपका जो परसेंटेज छूट मिलती है 5% की, वो चीज। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं, ग्रुप बी की अगर कोटे की बात करूं, जो अगर जनरल की बात करूं 70-72 पे लिस्ट गई थी, तो स्पोर्ट्स की 42 पे 45 पे गई थी, तो वो चीज आपकी मददगार सिद्ध होगी और जिंदगी में बहुत बड़ा नाम करेंगे। और आप बड़ी सोच रखे थे ओलंपिक सत्र तक 5000 मीटर वाले भाई मेरा स्टार्ट खड़ा हुआ है, हमारे राजीव धोहन जी, वैसे तो चीफ गेस्ट थे हमारे आज के, परंतु अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। प्रदीप क्या करो, प्रदीप को साहब, प्रदीप सर जहाँ पे भी एक बार स्टेज पर मिले, अरे छोरे गर्मी इसके बाद वाह वाह सब पीछे गए। तीन रह गई लड़की, दो तीन है ही ना, कदा फर्स्ट है, वो लिली वाली उसके बच्चे वहां है, दोनों फर्स्ट तो आए हैं, फर्स्ट आया है, है लिली वाली, वो सेकंड आ रही है, थर्ड है, लॉन्ग जंप कंप्लीट हो चुका है, मैन एंड वुमन। अब ट्रिपल जंप के लिए एंट्री करवाए और ट्रिपल जंप की पीठ के पास पहुंचाई मैन एंड वुमन दोनों। ट्रिपल जंप इवेंट संदीप यादव जी ट्रिपल जंप करवाए भाई, संदीप यादव जी ट्रिपल जंप करवाए भाई, और जिनकी लॉन्ग जंप में ड्यूटी लगाई थी वही ट्रिपल जंप इवेंट में होंगे भाई। आई लड़के कर दो, लेर की लड़के तो कर दो पूरा राउंड कटवाई दी ताड़े, ये तो आगे पछोगी होना बिल्कुल गलत, मेरे ही बनती इस बात का राउंड बाकी है भाई, नाम लिख दो करवा क्यों पानी गेड़ा बीच में थी और हो गया, डिस्क्वालीफाई करते जी पानी पिवाया, रोक दो हो गया होगा, ये सेकंड है जी लीले वाले, अरे थर्ड है दीपक रेड्डी जी, इस गांव के राष्ट्रीय सतर के मेडलिस्ट हैं। 1600 मीटर की बात करूं, जब भी 1600 मीटर का नाम लिया जाता है दीपक मैला गड्डी का बहुत बड़े सतर पर नाम लिया जाता है। दीपक गड्डी जी बिल्कुल, दीपक मैला उर्फ टिप्पू, बड़ा तेजरार छोटी सी हाइट का बच्चा, तेरा बाकी रही, कोई बात नहीं आते हैं को मगर तेरा बस तेरा राउंड रह गया ना, प्रदीप पिक्के का नौकरियां भी होगा आज भाई, बार तेरा बाकी रह गए, अरे सेकंड दो, और इसका फॉर्म दियो सेकंड दो, इसका फॉर्म
बेटा सेकंड वाली। अरे सेकंड तो अगर क्या ही है, ट्रिपल जंप के बच्चे स्टेज के सामने आ जाएं और संदीप जोनी से मिले। ट्रिपल जंप, ट्रिपल जंप। ज्योति का फॉर्म दियो। हाँ लिया भाई जी, ज्योति का लिया फॉर्म। बस 12 राउंड बाकी है तुम्हारे, 12 लैप बाकी है, 12 बाकी है। चलता था, चली जा, चली जा। निशान है। सुरेश कुशाल, पूरी ग्राम पंचायत गड्डी और गांव के गणमान्य व्यक्ति हो, युवा साथी और प्यारे बच्चे हो, पानी का टैंकर खत्म हो गया है। उड़ ले जुरा के बरले पास ले जुरा को सब उड़ो बरले पास ले यार, ले जाओ बारी ना यार। नसीब गुराना जी, एक बार पवन विश्वजीत जी से मिले। नसीब गुराना हो गए सीधे सीधे, भी दो एक करोड़ घटा दे, हो गए पूरा बस। दसो जी, दस कर राउंड करा दो, पूछ ले पैसा कितना ना, पूछ ले तीन राउंड दे जा तारू, दो काटना तो चल डिफेंस कर रही है क्यों, चल 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 चल। ट्रिपल जंप के बच्चे हैं तो एक बार स्टेज के सामने आ जाओ। लड़कियां और लड़के तिहरी कूद, ट्रिपल जंप के बच्चे सामने आ जाए स्टेज के। जितने भी प्रतिभागी हैं मैन एंड वीमन स्टेज पे आ जाएं, एक बार अपनी एंट्री करवा लें सब, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल जंप के पेट उपलब्ध नहीं है खिलाड़ियों को, तो अगर ज्यादा कम्पीट है तो हम ये कल स्टेडियम में करवाएंगे। हम दो ट्रिपल जंप के मैच कल के लिए पोस्टपोन कर चुके हैं, जैसे हर्डल रेस, फॉरवर्ड हाई जंप, ट्रिपल चेस रेस। कंपटीटर तीन तो होने जरूरी है कम से कम, चले देख खाली। हाँ हाँ, तीन तीन लड़के होने जरूरी है इवेंट के हिसाब से, दो दो बोलिए बोलिए, और लड़के भी आ जाए मिट्टी पर जमते भाई, स्टार्टिंग इधर स्टेज के पास आ जाए भाई। दो लड़की आ चुकी है मिट्टी पर जम की, ये गांव वाले युवाओं से मेरा अनुरोध है भाई, यहाँ पानी का जो टैंकर लगा हुआ था उसमें ना के चले गए हैं गांव के लोग, कुछ बच्चे खाली करके बैठे हुए, तो प्लीज अनुरोध है इसको व्यर्थ मत करें। जो रिजल्ट फाइनल हो जाता है तो प्लीज रिजल्ट को बेहतर है, मैं बुलाना चाहूंगा 10,000 मीटर की जो लड़कियां हैं ज्योति, सीमा और कविता, वो मेडल करवाने के लिए स्टेज पर रिपोर्ट करें। अनुरोध करना चाहूंगा रफीक खान जी से और हमारे मध्य पहुंचे प्रदीप जाखड़ जी और डॉक्टर धवन साहब और साथ में जो पीर दातन अकादमी के संचालक सीसी कोच हैं, नरेंद्र को साहब इनका टाइम तो क्या लिखना होगा।
बताना चाहूंगा हमारे जो 10,000 मीटर की लड़की जो भी सीमा और कविता भैया मैं विक्ट्री स्टैंड पर आ जाएंगे फिनिश होगी ऐसे ही वो छोड़ा ये ये नहीं रुकेगा भाई एथलेटिक्स हरियाणा में मेडल देगा ये अगर इसी तरह दौड़ता रहा।